हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन बाय प्रवी। और आज हम देने वाले हैं 28th मैच का प्रेडिक्शन गाइस, जो कि होने वाला है बिटवीन बैंगलोर वर्सेस कोलकाता। जी हाँ, ये मैच होने वाला है शारजा स्टेडियम में। इसका मतलब है हमें यहाँ पे धुआंधार बैटिंग देखने को मिल सकती है और बॉलर्स वन बाय वन फेल होते हुए दिखाई देंगे गाइस। और यहाँ पे आज जो मुकाबला होने जाएगा, उस मुकाबले में आपको बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की बौछार दिखेगी गाइस। तो मैं बता दूं, बैंगलोर में भी बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस प्लेयर्स चल रहे हैं, साथ ही साथ कोलकाता के पास बैटिंग लाइनअप भरा पड़ा है गाइस। इसका मतलब उनके 8 के 8, 9 के 9 प्लेयर धुआंधार बैटिंग कर सकते हैं। उनों की स्टैंडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे बैंगलोर 4th नंबर पे स्टैंडिंग में है और वहीं की वहीं 3rd नंबर पे कोलकाता स्टैंडिंग में है गाइस। लेकिन अगर दोनों के मैच की बात करें तो दोनों टीम्स ने 6 में से अपने 4 मैच जीते हुए हैं। इसका मतलब दोनों ही सेम दावेदार हैं, दोनों में से एंड मोमेंट तक कोई भी जीत सकता है। लेकिन अब हम अपनी जीत की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक और कमेंट भी भेजिए कि आपकी कौन सी टीम आप जिताना चाहते हैं गाइस। अगर आपने मेरा फेसबुक पेज लॉगिन नहीं किया है, फॉलो अप नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको मिलेगा जल्दी से जल्दी प्रेडिक्शन गाइस। तो देर ना करते हुए जल्दी से आप जाइए और फॉलो कीजिए। अब मैं देने वाला हूं आपको मैच का प्रेडिक्शन गाइस। तो मेरे पास दोनों कार्ड है हाथ में, बैंगलोर वर्सेस कोलकाता। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा पेपर भाई पिक करती है फॉर विनिंग एज अ प्रेडिक्शन गाइस। सो लेट्स हैव अ लुक इनटू दिस। DJ Shireen. Clap your hands. तो दोस्तों, आप पहली का प्रेडिक्शन देख चुके होंगे और आपने एनालाइज कर लिया होगा कि कौन सी टीम का पेपर पहली ने पिक किया है। यहाँ पे बैंगलोर का पेपर पहली ने पिक किया है। इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि ये प्रेडिक्शन बैंगलोर की ओर जाता है, मतलब बैंगलोर के जीतने के चांसेस एज पर पहली ज्यादा है गाइस। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि मैं ये चैनल जो चलाता हूँ और मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ वो फन और एंटरटेनमेंट के लिए करता हूँ, ना कि किसी और गलत काम के लिए। तो आप इसे भी एज अ फन और एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखिएगा गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।